हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन हो गए, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज से आप सभी को करंट अफेयर 1 घंटे पहले मिल जाया करेंगे, मतलब कहने का कि आज से डेली सुबह 4 बजे करंट अफेयर आया करेंगे, जो कि 5 बजे आते थे। एक चीज और, पीडीएफ डाउनलोड करना आप लोग बिल्कुल भी ना भूला करें। जैसा कि आप सभी को मैं पहले बता चुका हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगी डेली के हिसाब से। जो भी आप ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे, वहां पर आपको आंसर के साथ ये पीडीएफ मिलेगी। तो पहले सेशन देखा करिए डेली, और उसके बाद पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लिया करिए, ताकि पीडीएफ से आप रिवीजन कर सको आंसर के साथ साथ में। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कि केवल पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और सेशन मत देखिए। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो विश्वास मानिए, आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, क्योंकि आप सभी जानते हो कि मैं एक एक क्वेश्चन में कितनी ज्यादा डिटेल नॉलेज देता हूं। लेकिन अगर आप केवल पीडीएफ पढ़ोगे तो वो नॉलेज आपको नहीं मिलने वाली है, इस वजह से वीडियो जरूर देखिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आज के सेशन में 30 सितंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु वॉन 2020 रशियन ग्रैंड प्रिक्स। अभी हाल ही में 2020 का रशियन जीपी किसने जीता है? 2020 का रशियन जीपी जीता है वेल्टरी बोटास ने। ये कौन है? वेल्टरी बोटास। कहां के खिलाड़ी हैं वेल्टरी? ये फिनलैंड के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ये मर्सिडीज चलाते हैं, मर्सिडीज। अब देखो, रशियन ग्रैंड प्रिक्स में नंबर वन पे तो रहे वेल्टरी बोटास, नंबर दो पे कौन रहे? नंबर दो पे रहे हैं मैक्स वेरस्टैपेन, और नंबर तीन पे रहे हैं लुइस हैमिल्टन। इन तीनों के आपको कंट्रीज पता होने चाहिए। वेल्टरी बोटास फिनलैंड से बिलोंग करते हैं, मैक्स वेरस्टैपेन ये बिलोंग करते हैं बेल्जियम से, कहां से? बेल्जियम। और लुइस हैमिल्टन कहां से बिलोंग करते हैं? ये खिलाड़ी हैं ब्रिटेन के, ब्रिटेन के खिलाड़ी। एक चीज और, वेल्टरी बोटास कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ये मर्सिडीज चलाते हैं। मैक्स वेरस्टैपेन ये रेडबुल कंपनी से बिलोंग करते हैं, और लुइस हैमिल्टन ये भी मर्सिडीज कंपनी से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड रेडियो पाठशाला फॉर स्टूडेंट्स। आपसे कह रहा है, स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए रेडियो पाठशाला की शुरुआत अभी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार के द्वारा करी गई है? यह है नवीन पटनायक की सरकार, मतलब उड़ीसा सरकार के द्वारा अभी हाल ही में रेडियो पाठशाला की शुरुआत करी गई है। यह रेडियो पाठशाला बच्चों के लिए इनॉग्रेट करी गई है। ये पढ़ाने का काम करेगी क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को, ठीक है। अब देखो, ये जो रेडियो पाठशाला है, इसकी टाइमिंग भी ध्यान रखना, ये मंडे से लेकर फ्राइडे तक चलाई जाएगी, और सुबह 10 बजे से लेकर 10:15 बजे तक, मतलब 15-15 मिनट की क्लास होगी मंडे से लेकर फ्राइडे तक। तो उड़ीसा सरकार के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। कहने का मतलब यह है कि जो भी बच्चे हैं क्लास 1 से लेकर 8 तक के, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, वो रेडियो पाठशाला रेडियो चैनल को सुन सकते हैं सुबह 10 से लेकर 10:15 बजे तक। इसमें इनको पढ़ाने का काम किया जाएगा। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर गणेशी लाल। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है और गवर्नर है यहाँ पर कलराज मिश्र। और तेलंगाना में इस टाइम पर चंद्रशेखर राव की सरकार है, ध्यान रखिएगा। और तेलंगाना में गवर्नर कौन है? यह है तमिसलाई सुंदरराजन। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और गवर्नर है यहाँ पर फागु चौहान। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन 18 गोल्ड मेडल्स एट कन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। आपसे कह रहा है, बेंगलोर में स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में अभी कन्वोकेशन सेरेमनी करी गई थी, जिसमें नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की ये कौन सी छात्रा हैं जिन्होंने अकेले 18 गोल्ड मेडल जीते हैं। ऐसा आज तक किसी भी यूनिवर्सिटी में कभी भी नहीं हुआ, तो ऐसा पहली बार करके दिखाया है किसने? इनका नाम है यमुना मेनन। क्या नाम है? यमुना मेनन। यमुना मेनन ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के द्वारा 40 गोल्ड मेडल दिए गए हैं कन्वोकेशन सेरेमनी में, जिसमें से 40 गोल्ड मेडल में अकेले 18 मेडल इन्होंने जीते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में, नए सचिव के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो वेस्ट बंगाल के नए सचिव बने हैं आईएएस अधिकारी अलापन बंदोपाध्याय। क्या नाम है इनका? अलापन बंदोपाध्याय। अलापन बंदोपाध्याय 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, वेस्ट बंगाल कैडर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने किसको सक्सीड किया, मतलब इस टाइम पर करेंटली सेक्रेटरी कौन थे? इन्होंने वेस्ट बंगाल के सेक्रेटरी राजीव सिन्हा को सक्सीड किया। किसको? राजीव सिन्हा। तो दोनों चीजें ध्यान रखना,
अलापन बंदोपाध्याय अपॉइंट हुए हैं नए सेक्रेटरी और इन्होंने राजीव सिन्हा को सक्सीड किया। अलापन बंदोपाध्याय इससे पहले वेस्ट बंगाल के स्टेट होम सेक्रेटरी थे, अब ये चीफ सेक्रेटरी बन गए। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। राजीव सिन्हा आज ही के दिन रिटायर हो रहे हैं, 30 सितंबर को इनको रिटायर होना है। कहने का मतलब आज ही के दिन से अलापन बंदोपाध्याय का टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा। वी आर ऑब्जर्विंग इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ऑन विस डेट, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस हम लोगों ने किस दिन मनाया? अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस हम लोग आज ही के दिन मना रहे हैं, मतलब आज डेट है 30 सितंबर। 30 सितंबर को हर साल अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। कल क्या है? कल है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को कल के दिन सुबह 11 बजे के लिए मैंने एक क्लास शेड्यूल करी हुई है। आप लोगों को हो सकता है दिख भी गया हो थंबनेल। अगर आपको नहीं दिखी है क्लास तो अभी वीडियोस में देखिएगा, आपको दिख जाएगी ये क्लास। होम पेज पे जाइएगा चैनल के, मिल जाएगी। 11 बजे उस क्लास के थंबनेल पे जाके रिमाइंडर सेट का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको रिमाइंडर सेट कर लो, क्योंकि कल सुबह 11 बजे 2 से 3 घंटे की मैराथन मेरी चलेगी यहां पर, जिसमें मैं करंट अफेयर कराने वाला हूं, पिछले 6 महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये जो 6 महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कल मैं सुबह 11 बजे कराऊंगा, इसको अटेंड करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल जो भी आप देने वाले हो अगले महीने, साथ में सीपीओ का आप एग्जाम देने वाले हो और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हो और आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हो, इन सब के लिए पिछले 6 महीने के करंट अफेयर जो मैं कराने जा रहा हूं, ये कल की मैराथन में कराऊंगा। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा इसको लोगों को बताने की कोशिश करना। मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं इतनी मेहनत से, मुझे कल की डेट में इस क्लास में 11 बजे वाली मैराथन में 10,000 लाइव लर्नर्स चाहिए, ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो लाइव लर्नर्स लाना आपका काम है, कंटेंट देना मेरा काम है। कल मुझे 10,000 लोग कम से कम लाइव चाहिए, इतना ध्यान रखना। ज्यादा से ज्यादा ताबड़तोड़ तरीके से शेयर करो इस वीडियो को, ये जो कल 11 बजे का थंबनेल लगा हुआ है। तो हम लोग बात कर रहे थे अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस की, ये हम लोग आज के दिन मना रहे हैं। और इस बार की 2020 की थीम क्या है? इस बार की थीम है फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। क्या है? फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। अगला क्वेश्चन है, वी आर ऑब्जर्विंग वर्ल्ड हार्ट डे ऑन विस डेट, विश्व हृदय दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं? विश्व हृदय दिवस, हृदय दिवस हम लोगों ने कल के दिन मनाया, मतलब 29 सितंबर को मनाया। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। हृदय दिवस हम लोग बेसिकली इसलिए मनाते हैं क्योंकि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके कि किस तरीके से हृदय से रिलेटेड बीमारियों से निपटा जा सकता है। कहीं ना कहीं हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं लेना चाहिए डाइट में, कोलेस्ट्रॉल फ्री डाइट लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब हम ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेने लगते हैं तो हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होने लगती हैं हमें। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी हैज बीन अवॉर्डेड विद नेट एक्सप्लो स्मार्ट सिटीज अवार्ड बाई यूनेस्को। आपसे कह रहा है यूनेस्को के द्वारा अभी हाल ही में नेट एक्सप्लो स्मार्ट सिटी अवार्ड किस भारतीय शहर को दिया गया? यूनेस्को के द्वारा नेट एक्सप्लो स्मार्ट सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारत के शहर सूरत को। ध्यान रखिएगा, टॉप 10 स्मार्ट सिटीज में यूनेस्को की तरफ से जो नेट एक्सप्लो स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है, उसमें अकेला शहर भारत का सूरत है जिसको सम्मानित किया गया है। नेट एक्सप्लो स्मार्ट सिटी अवार्ड इस वजह से दिया जाता है कि ये कौन से शहर हैं जहां पर वहां के नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जाती हैं। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना 1945 में करी गई थी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस। वैसे यूनेस्को की स्थापना लंदन में करी गई थी, लेकिन आज की डेट में इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। और यूनेस्को के इस टाइम पे हेड कौन है? ये है ऑद्रे अजोले। क्या नाम है? ऑद्रे अजोले। एक चीज और, ये जो अवार्ड सूरत सिटी को दिया जाएगा ये किसके द्वारा लिया जाएगा? तो सूरत के मेयर इसको रिसीव करेंगे। और ये अवार्ड सूरत को मिलेगा कब? ये मिलेगा मार्च 2021 में। तो मार्च 2021 में सूरत के मेयर यूनेस्को के हेडक्वार्टर पेरिस जाएंगे और वहां पर जाके इस अवार्ड को रिसीव करेंगे। विच आईपीएल टीम हैज मेड बिगेस्ट सक्सेसफुल चेज रिकॉर्ड? अभी हाल ही में ये कौन सी आईपीएल टीम है जिसने आज तक के जितने भी आईपीएल के टूर्नामेंट हुए हैं, ये 13वां एडिशन चल रहा है ना आईपीएल का, तो पिछले 12 जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं उन सभी में सबसे बड़ा रिकॉर्ड चेज किया है इस टीम ने। ये टीम बन गई है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स का कल मैच था किंग्स 11 पंजाब से, तो किंग्स 11 पंजाब ने स्कोर किया था 224 रन, जो
जो कि आज तक का आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर था। इस स्कोर को चेज किया राजस्थान रॉयल्स ने। एक चीज और, राजस्थान रॉयल्स ने एक और रिकॉर्ड बना दिया है। लास्ट 5 ओवर में राजस्थान रॉयल्स ने 84 रन बनाए, तो ये जो आखिरी के 5 ओवर में 84 रन बनाए ये अपने आप में रिकॉर्ड बन चुका है। इस बार कौन सा आईपीएल खेला जा रहा है? 13वां संस्करण आईपीएल का खेला जा रहा है। आईपीएल इस बार होस्ट कहां पर किया जा रहा है? यूनाइटेड अरब अमीरात में इसको होस्ट किया जा रहा है, ये चीज ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी इज गोइंग टू लॉन्च टॉयलेट टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आपसे कह रहा है ये कौन सी स्पेस एजेंसी है जो कि टॉयलेट एक लॉन्च करने जा रही है, एक स्मार्ट टॉयलेट होगा जो कि लॉन्च करने जा रही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ये है नासा। नासा ने फैसला लिया है कि एक स्मार्ट टॉयलेट की स्थापना करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। जल्द ही इसको आईएसएस में भेज दिया जाएगा। ये जो नया टॉयलेट यहां पर स्थापित किया जा रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ध्यान रखिएगा इसको किस नाम से जाना जा रहा है। इसका नया नाम रखा गया है यूनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या नाम रखा गया है इसका? यूनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ये नासा के द्वारा इसका नाम रखा गया है। नासा की स्थापना 1958 में करी गई थी। नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, और नासा के इस टाइम पे हेड कौन है? ये हैं चार्ल्स बोल्डन। क्या नाम है? चार्ल्स बोल्डन। नासा अमेरिकन एजेंसी है, इसरो भारतीय एजेंसी है, जाक्सा जापान की एजेंसी है, और रॉस्कॉस्मॉस रशिया की एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड 6 मेगा प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट अंडर नमामि गंगे मिशन। आपसे कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी हाल ही में एक दो नहीं पूरे 6 मेगा प्रोजेक्ट्स की स्थापना करी गई है, कौन से राज्य में? और ये जो स्थापना करी गई है 6 मेगा प्रोजेक्ट्स की, ये नमामि गंगे मिशन के तहत करी गई है। ये जो 6 मेगा प्रोजेक्ट्स की स्थापना करी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये करी गई है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है। ध्यान रखिएगा ये जो 6 मेगा प्रोजेक्ट्स की स्थापना करी गई है, ये सब के सब गंगा सैनिटाइजेशन के लिए काम करेगा, गंगा को क्लीन करने के लिए, गंगा के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए कार्यरत होंगे। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है, गवर्नर है यहां पर बेबी रानी मौर्या। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, गवर्नर है फागू चौहान। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, गवर्नर है जगदीप धनखड़। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और गवर्नर है आनंदी बेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, सैयदा अनवरा तैमूर, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, ये कौन से राज्य की चीफ मिनिस्टर रह चुकी थी? तो सैयदा अनवरा तैमूर, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ये आसाम राज्य की चीफ मिनिस्टर एज अ पोस्ट सर्व कर चुकी थी। ये आसाम में 1980 से लेकर 81 तक चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, और हाल ही में अनवरा तैमूर का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका निधन किस वजह से हुआ है? तो कार्डियक अटैक की वजह से इनका निधन हो गया। और आसाम में किसकी सरकार है इस टाइम पे? सर्बानंद सोनोवाल की सरकार है। आसाम में गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, यहां पर गवर्नर है अनसुईया उइके। मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार है, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। और तमिलनाडु में ई के पलानी स्वामी की सरकार है, और गवर्नर यहां पर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। अभी हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसको इलेक्ट किया गया है? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए प्रेसिडेंट होंगे एल आदि मोलम। क्या नाम है? एल आदि मोलम। एल आदि मोलम को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी में नए प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। इन्होंने किसको सक्सीड किया? इन्होंने सक्सीड किया है शैलेश गुप्ता को। किसको? शैलेश गुप्ता। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिन जिनको सक्सीड किया जा रहा है नए अपॉइंटमेंट्स में, वो भी आप ध्यान रखो, क्योंकि इस बार एसएससी सीजल 2019 में सक्सीडिंग्स भी पूछी गई थी, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एल आदि मोलम ने नई गद्दी तो संभाली है, तो सक्सीड किसको किया ये भी ध्यान रखिए। इन्होंने शैलेश गुप्ता को सक्सीड किया। शैलेश गुप्ता रिटायर हो गए इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी से। इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी आपको पता है द हिंदू ग्रुप का ही प्रोडक्ट है। इसकी स्थापना द हिंदू ग्रुप के द्वारा करी गई थी 1938 में। और आईएनएस का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ऑनलाइन ट्यूटर कंपनी वेदांतु। अभी हाल ही में ये जो वेदांतु है, जैसे कि आप लोग जानते हो बायजूस है, वेदांतु है, अन अकेडमी है, इन ये सारी ऑनलाइन ट्यूटर कंपनीज है।
ठीक है, तो ऐसे ही एक वेदांतु है। तो वेदांतु ने अभी हाल ही में नया ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? वेदांतु के द्वारा नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आमिर खान को अपॉइंट किया गया है। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। वेदांतु का हेडक्वार्टर है बेंगलोर। वेदांतु की स्थापना साल 2011 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सत्र वशिष्ठ देव शर्मा हैज बीन अवॉर्डेड विद विच स्टेट्स श्रीमंत संकार देव अवार्ड 2017। क्वेश्चन का मतलब समझो, पहले क्या बोल रहा है आपसे, प्यार से क्वेश्चन का मतलब समझो। आपसे बोल रहा है कि अभी हाल ही में सत्तार वशिष्ठ देव शर्मा इनको सम्मानित किया गया है, कौन से राज्य के द्वारा श्रीमंत संकार देव अवार्ड 2017 से? तो ये राज्य सरकार है किसकी? आसाम सरकार, आसाम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार के द्वारा सत्तार वशिष्ठ देव शर्मा को सम्मानित किया गया है 2017 के संकार देव अवार्ड से। इस अवार्ड के साथ 5 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाती है। ये जो अवार्ड दिया गया है, ये राइटिंग फील्ड में इन्हें दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो सत्तार वशिष्ठ देव शर्मा है जिनको सम्मानित किया गया है, ये क्या है? ये बेसिकली एक राइटर है। तो आसाम सरकार के द्वारा ये सम्मान दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है किस राज्य सरकार के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। दूसरा, आपको अवार्ड का नाम भी ध्यान रखना है। आपसे ये पूछ सकता है कि सत्तार विश्वदेव शर्मा को कौन सा अवार्ड दिया गया है, या फिर तीसरा आपसे ऐसे पूछ सकता है कि श्रीमंत संकार देव अवार्ड 2017 किसको दिया गया है। तो आपको पहला राज्य सरकार का नाम ध्यान रखना है, दूसरा पुरस्कार का नाम ध्यान रखना है, और तीसरा अवार्डी का नाम ध्यान रखना है। तीनों चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी होगी। उम्मीद करता हूं आज के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हैं। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को दबा के लाइक ठोको और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इस परिवार को बढ़ाना आपका काम है, कंटेंट देना मेरा काम है। आज की बात यहीं तक। आपका दिन मंगलमय हो। कल सुबह 4 बजे फिर से मुलाकात होगी।